संसार में दिखाई देने वाली सभी वस्तुओं का मूल आधार सूर्य ही है। सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य की आकर्षण शक्ति के द्वारा ही अपने निश्चित आधार पर घूम रहे हैं। संसार में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। इसके द्वारा संसार की गतिविधियों का संचालन होता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा के कारण ही प्रकृति में परिवर्तन आता है। इसीलिए योग शास्त्रों में सूर्य नमस्कार आसन का वर्णन किया गया है। सूर्य नमस्कार आसन से मिलने वाले लाभों को विज्ञान भी मानता है। सूर्य नमस्कार आसन के अभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है तथा विभिन्न प्रकार के रोगों में लाभ होता है। इसकी 12 स्थितियां होती है। सभी स्थितियां अपनी पहली स्थिति में आई कमी को दूर करती है। इस आसन में शरीर को विभिन्न रूपों में तान कर और छाती को अदल बदल कर संकुचित व विस्तारित कर सांस क्रिया की जाती है। इससे शरीर की मांसपेशियों, जोड़ों और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आने के साथ आंतरिक अंगों की मालिश भी होती है। सूर्य नमस्कार आसन की 12 स्थितियों को क्रमबद्ध रूप से करें। सूर्य नमस्कार आसन के साथ कुछ मंत्रों को पढ़ने के लिए भी बताया गया है। इन मंत्रों का अभ्यास करते हुए जाप किया जाता है, जिससे लाभ बढ़ जाता है। सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास ऐसे स्थान पर करें जहां पूरे शरीर पर सूर्य की रोशनी पड़ सके तथा इस आसन का अभ्यास सूर्य उदय के 1 से 2 घंटे के अंदर तथा सूर्य की तरफ मुंह करके करें। सूर्य नमस्कार आसन की 12 स्थितियां। सूर्य नमस्कार आसन के लिए पहले सीधे खड़े होकर पीठ, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें। पहली स्थिति, सूर्य नमस्कार आसन के लिए पहले सीधे खड़े होकर पीठ, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें। दोनों पैरों को मिलाकर सावधान की स्थिति बनाएं। दोनों हाथों को जोड़कर छाती से सटाकर नमस्कार या प्रार्थना की मुद्रा बना लें। अब पेट को अंदर खींचकर छाती को चौड़ा करें। इस स्थिति में आने के बाद अंदर की वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दें और कुछ क्षण उसी स्थिति में रहें। इसके बाद स्थिति 2 का अभ्यास करें। अब सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में ऊपर उठाएं और जितना पीछे ले जाना हो, संभव हो उतना ले जाएं। दूसरी स्थिति, अब सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में ऊपर उठाएं और जितना पीछे ले जाना संभव हो ले जाएं। फिर सांस बाहर छोड़ते और अंदर खींचते हुए सीधे खड़े हो जाएं। ध्यान रखें कि कमर व घुटने ना मुड़े। इसके बाद 3 स्थिति का अभ्यास करें। तीसरी स्थिति, सांस को बाहर निकालते हुए शरीर को धीरे धीरे सामने की ओर झुकाते हुए हाथों की उंगलियों से पैर के अंगूठे को छुएं। इस क्रिया में हथेलियों और पैरों की एड़ियों को बराबर स्थिति में जमीन पर सटाने तथा धीरे धीरे अभ्यास करते हुए नाक या माथे को घुटने से लगाने का अभ्यास करना चाहिए। यह क्रिया करते समय घुटने सीधे करके रखें। इस क्रिया को करते हुए अंदर भरी हुई हवा को बाहर निकालें। इस प्रकार सूर्य नमस्कार के साथ प्राणायाम की क्रिया भी हो जाती है। अब 4th स्थिति का अभ्यास करें। ध्यान रखें, आसन की दूसरी क्रिया में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, इसीलिए नाक या सिर को घुटने के सटाने की क्रिया अपनी क्षमता के अनुसार ही करें और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए क्रिया को पूरा करने की कोशिश करें। अब सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथ और बाएं पैर को वैसे ही रखें तथा दाएं पैर को पीछे ले जाएं और घुटने को जमीन पर सटाकर रखें और आप जिस प्रकार से तस्वीरों पर देख रहे हैं उसी प्रकार से आप आसन को करें। 4th स्थिति, अब सांस अंदर खींचते हुए दोनों हाथ और बाएं पैर को वैसे ही रखें तथा दाएं पैर को पीछे ले जाएं और घुटने को जमीन से सटाकर रखें। बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में रखें, चेहरे को ऊपर की ओर करके रखें तथा सांस को रोककर ही कुछ देर तक इस स्थिति में रहें। फिर सांस छोड़ते हुए पैर की स्थिति बदलकर दाएं पैर के दोनों हाथों के बीच में रखें और बाएं पैर को पीछे की ओर करके रखें। अब सांस को रोककर ही इस स्थिति में कुछ देर तक रहें, फिर सांस को छोड़ें। इसके बाद 5th स्थिति का अभ्यास करें। अब सांस को अंदर खींचकर और रोककर दोनों पैरों को पीछे की ओर ले लें। इससे शरीर को दोनों हाथ व पंजों पर स्थित करें। 5th स्थिति, अब सांस को अंदर खींचकर और रोककर दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। इसमें शरीर को दोनों हाथ व पंजों पर स्थित करें। इस स्थिति में सिर, पेट व पैरों को एक सीध में रखें। अब सांस बाहर की ओर छोड़ें। इसके बाद 6th स्थिति का अभ्यास करें। अब सांस को अंदर की ओर लेकर रखें,
हाथ एड़िया व पंजों को अपने स्थान पर रखें। अब धीरे धीरे शरीर को नीचे झुकाते हुए छाती और मस्तक को जमीन पर स्पर्श करना चाहिए। छठी स्थिति, अब सांस को अंदर ही रोक कर रखें तथा हाथ एड़ियों व पंजों को अपने स्थान पर ही रखें। अब धीरे धीरे शरीर को नीचे झुकाते हुए छाती और मस्तक को जमीन पर स्पर्श करना चाहिए और अंदर रुकी हुई वायु को बाहर निकाल दें। इसके बाद सातवीं स्थिति का अभ्यास करें, फिर सांस अंदर खींचते हुए वायु को अंदर भर लें और सांस को अंदर ही रोक कर छाती और सिर को ऊपर उठाकर हल्के से पीछे की ओर ले जाएं। सातवीं स्थिति, फिर सांस अंदर खींचते हुए वायु को अंदर भर लें और सांस को अंदर ही रोक कर छाती और सिर को ऊपर उठाकर हल्के से पीछे की ओर ले जाएं और ऊपर देखने की कोशिश करें। इस क्रिया में सांस रुकी हुई ही रहनी चाहिए। इसके बाद आठवीं स्थिति का अभ्यास करें, अब सांस को बाहर छोड़ते हुए आसन में नितंब यानी हिप्स और पेट को ऊपर की ओर ले जाकर छाती और सिर को झुकाते हुए दोनों हाथों के बीच में ले जाएं। आठवीं स्थिति, अब सांस को बाहर छोड़ते हुए आसन में नितंब यानी हिप्स और पेट को ऊपर की ओर ले जाकर छाती और सिर को झुकाते हुए दोनों हाथों को बीच में ले आएं। आपके दोनों पैर नितंबों के सीध में होने चाहिए। थोड़ी को छाती से छूने की कोशिश करें और पेट को जितना संभव हो अंदर खींच कर रखें। यह क्रिया करते समय सांस को बाहर निकाल दें। ये एक प्रकार का प्राणायाम ही है। इसके बाद नौवीं स्थिति का अभ्यास करें। इस आसन को करते समय पुनः वायु को अंदर खींचें और शरीर को तीसरी स्थिति में ले आएं। इस स्थिति में आने के बाद सांस को रोक कर रखें। नौवीं स्थिति, इस आसन को करते समय पुनः वायु को अंदर खींचें और शरीर को तीसरी स्थिति में ले आएं। इस स्थिति में आने के बाद सांस को रोक कर रखें। अब दोनों पैरों को दोनों हाथों के बीच में ले आएं और सिर को आकाश की ओर करके रखें। इसके बाद दसवीं स्थिति का अभ्यास करें। इसमें सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को दूसरी स्थिति की तरह बनाएं। आपकी दोनों हथेलियां दोनों पैरों के अंगूठे को छूती हुई होनी चाहिए, जैसा कि आप तस्वीरों पर देख रहे हैं। दसवीं स्थिति, इसमें सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को दूसरी स्थिति की तरह बनाएं। आपकी दोनों हथेलियां दोनों पैरों के अंगूठे को छूती हुई होनी चाहिए। सिर को घुटनों से सटा कर रखें और अंदर की वायु को बाहर निकाल दें। इसके बाद ग्यारहवीं स्थिति का अभ्यास करें। अपने फेफड़े में वायु को भरकर अपनी स्थिति में सीधे खड़े हो जाएं। इस स्थिति में दोनों पैरों को मिलाकर रखें। ग्यारहवीं स्थिति, अपने फेफड़े में वायु को भरकर पहली स्थिति में सीधे खड़े हो जाएं। इस स्थिति में दोनों पैरों को मिलाकर रखें और पेट को अंदर खींचकर छाती को बाहर निकाल लें। इस तरह इस आसन का कई बार अभ्यास कर सकते हैं। अब सांस बाहर छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति की तरह नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। शरीर को सीधा व तनकर खड़े करें, जैसा कि आप तस्वीरों पर देख रहे हैं। बारहवीं स्थिति, अब सांस बाहर छोड़ते हुए पहली वाली स्थिति की तरह नमस्कार मुद्रा में जाएं। शरीर को सीधा व तान कर रखें। इसके बाद दोनों हाथ को दोनों बगल में रखते हुए पूरे शरीर को आराम दें। इस प्रकार इन 12 क्रियाओं को करने से सूर्य नमस्कार आसन पूर्ण होता है, लेकिन आपको कुछ सावधानी रखने की जरूरत है। सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास हर्निया रोगी को नहीं करना चाहिए। कृपया ध्यान रखें, सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास करते हुए अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर लगाएं। सूर्य नमस्कार आसन की विभिन्न स्थितियों में रोग में लाभ होगा। सूर्य नमस्कार आसन की 10 स्थितियों में अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। पहली स्थिति, यह स्थिति पेट, पीठ, छाती, पैर और भुजाओं के लिए लाभकारी होती है। दूसरी स्थिति, हथेलियों, हाथों, गर्दन, पीठ, पेट, आंतों, नितंब, पिंडलियों, घुटनों और पैरों के लिए लाभदायक होता है। तीसरी स्थिति में पैरों व हाथों की तलहथियों और छाती, पीठ और गर्दन को लाभ पहुंचता है। चौथी स्थिति में हाथ पैर के पंजों और गर्दन पर असर पड़ता है। पांचवी स्थिति में बाहों और घुटनों पर बल पड़ता है और वो शक्तिशाली बनती है। छठी स्थिति में भुजाओं, गर्दन, पेट, पीठ व घुटनाओं को बल मिलता है। सातवीं स्थिति में हाथों, पैरों, पंजों, नितंबों, भुजाओं, पिंडलियों और कमर पर दबाव पड़ता है। आठवीं स्थिति में हथेलियों, हाथों, गर्दन, पीठ, पेट, आंतों, नितंब, पिंडलियों, घुटनों और पैरों पर बल पड़ता है। नौवीं स्थिति में हाथों, पंजों, भुजाओं, घुटनों, गर्दन, पेट पर बल पड़ता है। दसवीं स्थिति में पेट, छाती और भुजाओं के लिए दबाव पड़ता है और उसके लिए लाभदायक होता है। आसन के अभ्यास से रोग में लाभ। सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ व रोग मुक्त रहता है। इससे चेहरे पर चमक व रौनक आती है। यह
स्नायु मंडल और शक्तिशाली बनाता है और ऊर्जा केंद्र को ऊर्जावान बनाता है। इसके लाभ को मानसिक शांति व बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस आसन को करने से शरीर में लचीलापन आता है तथा अन्य आसनों के अभ्यास में लाभकारी होता है। इससे सांस से संबंधित रोग, मोटापा, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों का दर्द दूर होता है। इस आसन को करने से आमाशय, जिगर, गुर्दे तथा छोटी व बड़ी आंतों को बल मिलता है और इसके अभ्यास से कब्ज, बवासीर आदि रोग समाप्त होते हैं।